चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने जो अभी कहा है, आप कैसे देखते हैं ये कि बाहर वाले आके देखें? मुझे बड़ी खुशी है आज जो क्लैरिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से आई है। दो दिन से इन्होंने बवाल मचवाया था पूरे स्टेट में। हमारे अफसरों को बड़ा रिस्पॉन्सिबली लोगों के सामने आना चाहिए, जब भी आते हैं तो मुझे शुक्रिया करने में भी कोई आपत्ति नहीं है कि मैं होम मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ, प्राइम मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने बरवक्त मुदाखलत करके लोगों को क्लैरिफिकेशन दे दी कि साहब ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ कोई आउटसाइडर आके आपको वोट नहीं दे रहा है, ये जो वोट ऐड हो रहे हैं ये सब जो 18 साल से ऊपर आ गए हैं उनके वोट हैं। और उन्होंने ये भी फिर रिकन्फर्म किया कि कोई नौकरियों में कोई बाहर का नहीं आ रहा है, मकान कोई बाहर का, ज़मीन कोई बाहर का नहीं ले रहा है, क्योंकि ये मुझे नहीं पता है कि ऐसे स्टेटमेंट क्यों दिए जाते हैं जिनसे कन्फ्यूजन लोगों को किया जाए। लोगों में, जम्मू कश्मीर के लोगों में अभी भी एक डर सा बैठा हुआ कि कहीं ना कहीं इनकी डेमोग्राफी को लेके कोई ऐसी कोशिश तो नहीं की जा रही है। आई एम थैंकफुल टू द अथॉरिटीज़ बोथ एट सेंटर एज वेल एज स्टेट, दे हैव क्लैरिफाइड, और मैं समझता हूँ लोग आज चैन की सांस ले रहे होंगे इस क्लैरिफिकेशन के बाद। मैं मुबारकबाद ही देता हूं लोगों को, क्योंकि उनको होशियार रहना चाहिए। वो होशियार हुए तो हम होशियार हुए, हम होशियार हुए हम रिक्वेस्ट करते हैं। और आप सबको मालूम है अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी बिलीव्स कि हम मुक्का नहीं दिल्ली को दिखाते हैं, हम हाथ जोड़ के उनको कहते हैं हमारे लोगों को परेशान ना करो। उन्होंने आज फिर क्लैरिफिकेशन दे दी, ये लोगों की फतह है कि क्लैरिफिकेशन आ गई है। द मोस्ट हीनियस क्राइम, द मोस्ट हीनियस क्राइम ऑन ह्यूमैनिटी, ये मैं पंडित की किलिंग नहीं मानता हूँ, एक इंसानियत की किलिंग है। वो हमारा कश्मीरी भाई था, वहीं था, और मैं, मेरा मानना है कि जितने भी लोग ऐसे षड्यंत्र में हों उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें आम लोगों को तंग नहीं करना चाहिए। और कैसे देखते हैं आपकी जो तिरंगा हुआ, घर घर तिरंगा काफ़ी सक्सेसफुल रहा, यू थिंक दैट समवेयर द टेररिस्ट आर रैटल टू गो टू गवर्नमेंट? नहीं, टेररिस्ट क्या रैटल होगा? देखिए, लोगों ने प्यार दिखाया है, लोगों ने एक चीज़ दिखाया है कि दे आर विद द कंट्री एंड दे वॉन्ट पीपल ऑफ कंट्री टू स्टैंड विद देम नाउ। देखिए, ऐसी तो कोई किसी को ये शक ही नहीं होना चाहिए कि हम किसी से कम देशभक्त हैं। हमारे लोग कुर्बानी देते हैं, चाहे राजौरी हो, चाहे आपका सुचीतगढ़ बॉर्डर हो, उरी का बॉर्डर हो, करना का बॉर्डर हो, हमसे ज़्यादा कौन, जम्मू कश्मीर के लोगों से ज़्यादा कौन जानता है कुर्बानी का मतलब।